दोस्तों, क्या हम जानते हैं कि कई सारे ऐसे प्लांट हैं जिनको हम डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे कुछ ऐसे परमानेंट प्लांट जिनको हम डिवीजन से मल्टीप्लाई करेंगे और नए नए प्लांट बनाएंगे। वैसे तो कई सारे ऐसे परमानेंट प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम कटिंग भी ईजिली लग जाती है, जो आपको मेरे वीडियोज़ में मिल जाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया फ्रॉम शिमला एंड वेलकम बैक अगेन। फेब्रुवरी और मार्च स्प्रिंग सीजन स्टार्टिंग होता है और अभी सारे ही प्लांट काफ़ी अच्छी ग्रोथ में होते हैं, नए नए ग्रोथ होती है। सो फ्रेंड्स, फेब्रुवरी और मार्च में आप भी ये सारे प्लांट को डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं ऐसे कौन कौन से परमानेंट प्लांट है जिनको हम डिवीजन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये सारे प्लांट परमानेंट होने के साथ साथ लो केयर और हार्डी भी हैं। नंबर वन हार्डी प्लांट है जिसको हम डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये है बेबी रबर प्लांट, जिसे हम पेप्रोमिया के नाम से भी जानते हैं। बेबी रबर प्लांट पेप्रोमिया की ही वैरायटी है और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं। इसके लीफ जो होते हैं बिल्कुल लगता है जैसे वैक्स की कोटिंग हुई है और ये ग्रीन कलर के लीफी प्लांट होते हैं जिसमें काफ़ी शाइनिंग होती है। और ये प्लांट हाउस प्लांट के रूप में परफेक्ट है क्योंकि इसे हम डेकोरेट कर सकते हैं इनडोर, अगर हम चाहें तो इसे आउटडोर में बिल्कुल शेड में लगा सकते हैं। तेज़ धूप से इन्हें हमें बचाना होता है, अदरवाइज़ इनके लीफ जो होते हैं फेड हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से डिवाइड करके नए नए प्लांट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो पेप्रोमिया को मल्टीप्लाई करना काफ़ी इजी होता है इनके स्टेम कटिंग से, इनके लीफ से, बट इनका रूट डिवीजन भी काफ़ी सक्सेसफुल होता है। देख सकते हैं कितने सारे खूबसूरत प्लांट हैं हमारे पास। ये प्लांट को मैं निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हम चाहें तो इनको ईजिली डिवाइड कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये प्लांट नहीं लगेंगे। इसे ट्राई कर सकते हैं, इसको हम वापस इसी में लगा देते हैं। पेप्रोमिया जो होते हैं सकलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट प्लांट है जिसे हम डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो है स्पाइडर प्लांट, जिसे क्लोरोपाइथम के नाम से भी जानते हैं। और ये प्लांट भी बेहद हार्डी प्लांट होते हैं। यहाँ पर हमें दो प्लांट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से हम इसको हटा सकते हैं, रूट डिवाइड इसकी कर सकते हैं और नए प्लांट हमें मिल जाएंगे। स्पाइडर प्लांट इनडोर आउटडोर दोनों में ही काफ़ी अच्छे से चलते हैं। स्पाइडर प्लांट को बेडरूम प्लांट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये बेस्ट एयर प्योरीफाइंग प्लांट भी होते हैं। वैसे तो इनके बेबी प्लांट से भी हम नए नए प्लांट बना सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं, ये देखिए ये बेबी प्लांट किस तरीके से निकल के और खुद ही ये रूट में अभी डेवलप हो रहा है। तो स्पाइडर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसके रूट डिवीजन से भी और इनके बेबी प्लांट से भी हम नए नए प्लांट बना सकते हैं। तो स्पाइडर प्लांट को हम चाहें तो काफ़ी ईजिली इनके रूट डिवीजन से और डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ भी तीन तीन प्लांट हमें दिखाई दे रहे हैं। स्पाइडर प्लांट से भी हम तीन नए प्लांट ईजिली बना सकते हैं। और यहाँ भी है स्पाइडर प्लांट, यहाँ भी हमें दो प्लांट दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें से भी हम दो प्लांट बना सकते हैं। और यहाँ पे भी हमें दो प्लांट दिखाई दे रहे हैं। इसको हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए ये कितना ईजिली बाहर निकल गया है और छोटा सा ही पॉट था, बट कितने अच्छे से ये ग्रो हो रहा है। इसके सॉइल को हम बाहर करेंगे और इसमें भी अगर रूट्स वगैरह डैमेज हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से हम बहुत ही आसानी से इसके दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए कितना ईजिली दो पार्ट में डिवाइड हो गया है और अलग अलग हमें दो स्पाइडर प्लांट मिल गए हैं। थोड़ा सा सॉइल हमने रख दिया है पॉट में और ऊपर से फिर इसे हम सॉइल से कवर कर देंगे। हमने एक पॉट तैयार कर लिया है स्पाइडर प्लांट का और इसी तरीके से हम दूसरा पॉट भी तैयार करेंगे। सारे रूट्स को भी कट करके हटा देंगे क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है इससे प्रॉब्लम होगी स्पाइडर प्लांट को बढ़ने में। स्पाइडर प्लांट को डिवाइड करना सबसे इजी होता है और ये प्लांट जो होते हैं कभी ख़राब नहीं होने वाले प्लांट में से एक होते हैं जो इंडोर आउटडोर हम लगा सकते हैं। झटपट हमने मिनटों में स्पाइडर प्लांट को डिवाइड कर लिया है और एक प्लांट से हमने दो प्लांट भी रेडी कर लिए हैं। नेक्स्ट प्लांट है एचिवेरिया। एचिवेरिया को भी हम काफ़ी ईजिली स्टेम से डिवाइड करके नए प्लांट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एचिवेरिया जो होते हैं परमानेंट और हार्डी सॉकलेंट होते हैं, जो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं इंडोर आउटडोर दोनों में ही अच्छे से ये चल जाते हैं। आउटडोर इन्हें हम शेड में रखेंगे और वाटरिंग भी एज अ रिक्वायरमेंट करेंगे, तो एचिवेरिया भी बेस्ट प्लांट होते हैं जिन्हें हम डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक ये एचिवेरिया है जिसमें हम चाहें तो हम इसमें चार पाँच नए नए प्लांट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 1 2 3
4 और यहाँ छोटे छोटे बेबी प्लांट निकले हैं, उनसे भी हम नए नए प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रियो प्लांट भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट होते हैं जिन्हें इंडोर भी हम डेकोरेट कर सकते हैं, आउटडोर इन्हें हमें शेड में रखना होता है। और ये भी काफ़ी खूबसूरत लीफी प्लांट होते हैं जो दो कलर शेड में होते हैं, पर्पल एंड ग्रीन। और इसमें भी कई सारी वैरायटी होती है रियो प्लांट की। ये भी हार्डी और परमानेंट प्लांट होते हैं जिससे इंडोर आउटडोर कहीं भी हम डेकोरेट कर सकते हैं। इसे डिवाइड करना बहुत ही ईजी होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 और 2, ये दो प्लांट हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से डिवाइड करके अलग अलग दो नए प्लांट बना सकते हैं। मैंने भी इसे डिवाइड करके ही बनाया हुआ है। और ये प्लांट जो होते हैं विंटर्स में थोड़े से डल हो जाते हैं, बट इंडोर उस टाइम हमें इसे रखना होता है। अगर आउटडोर आपने इस प्लांट को रखा है तो विंटर में इसे इंडोर शिफ्ट कर दीजिए, कोल्ड जब ख़त्म हो जाए तो इसे आउटडोर शिफ्ट कर सकते हैं शेड में, बट ये इंडोर काफ़ी अच्छे से सर्वाइव करते हैं। यहाँ भी है रियो प्लांट जो ग्रीन वैरायटी की है। रियो प्लांट भी काफ़ी खूबसूरत हाउस प्लांट होते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये रेड रिपल जो पेप्रोमिया की ही वैरायटी है। इसे हम चाहें तो दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके इजीली लगा सकते हैं और ये लग भी जाते हैं। मैंने भी कई सारे पेप्रोमिया प्लांट को डिवाइड किया हुआ है, जैसे यहाँ भी मैंने ये डिवाइड करके ही न्यू प्लांट बनाया हुआ है। और अभी इसमें भी हमें दो प्लांट मिल सकते हैं यहाँ पे, और ये भी हमने डिवाइड करके ही बनाया हुआ है। तो ये बेस्ट डेकोरेटिव हाउस प्लांट होते हैं जिन्हें आप चाहें तो छोटे छोटे पॉट से लेकर हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं। डायंथस भी बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जो परमानेंट होते हैं, और ये प्लांट को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, काफ़ी ईजिली ये डिवाइड हो जाता है। और मैंने भी कई सारे डिवीजन करके प्लांट नए नए बनाए हुए हैं। इस तरीके से डायंथस को हम टर्न कर लेंगे और इनकी जो बेस होती है वहाँ से हम नए नए प्लांट को निकाल सकते हैं और बहुत जल्दी इसमें रूट ग्रोथ होती है। तो अभी स्प्रिंग सीजन में आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये है गजीनिया फ्लावर। गजीनिया फ्लावर भी काफ़ी खूबसूरत फ्लावर होते हैं जो परमानेंट भी होते हैं, और इसमें भी कई सारे रंगों में हमें फ्लावर मिल जाते हैं। वैरायटी भी इनकी अलग होती है, और इसकी भी बेस्ट कटिंग से हम नए नए प्लांट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे डायंथस को हम बेस्ट कटिंग से निकालते हैं, यहाँ से भी हम इनको इस तरीके से प्लग करके और नए नए प्लांट बना सकते हैं। इनकी भी बेस्ट डिवीजन से हम नए प्लांट बना सकते हैं। एलोवेरा प्लांट भी जैसे जैसे मैच्योर्ड होते हैं फिर इसमें ढेर सारे नए नए स्टेम्स निकलते हैं जिसको हम डिवाइड करके नए नए प्लांट बना सकते हैं। मैंने भी इन दोनों एलोवेरा को स्टेम से डिवाइड करके और यहाँ पर शिफ्ट किया हुआ है पॉट में, और ये दोनों प्लांट काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। एलोवेरा प्लांट जो होते हैं इनडोर आउटडोर दोनों के लिए ही बेस्ट होते हैं। इनडोर में इन्हें विंडो लाइट में रखेंगे और आउटडोर इन्हें हमें शेमी शेड में रखना होता है। और ये भी बेस्ट एयर प्यूरीफाइंग प्लांट होते हैं जो आयुर्वेद में भी काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये प्लांट भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके यहाँ या आसपास आपको एलोवेरा प्लांट बहुत सारे दिख जाएँ तो वहाँ से आप इन्हें डिवाइड करके नए नए प्लांट अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये है खूबसूरत से पिंक सिंगोनियम। पिंक सिंगोनियम भी बड़े ही प्यारे हाउस प्लांट होते हैं जिन्हें हमें इंडोर ही रखना होता है, और इनको भी हम डिवाइड करके काफ़ी ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब ये प्लांट मैच्योर्ड होते हैं तो इसमें भी नए नए हमें स्टेम्स मिल जाते हैं, वहाँ से हम इन्हें डिवाइड करके और नए प्लांट भी बना सकते हैं। काफ़ी ईजिली ये प्रोपगेट होते हैं, रूट ग्रोथ हो जाती है इसमें, और ये प्लांट भी सालों साल बने रहते हैं। लो केयर और परमानेंट प्लांट होते हैं ये। पिंक सिंगोनियम की तरह मनी प्लांट भी सेम नेचर का होता है, इन्हें भी हम स्टेम से डिवाइड करके नए प्लांट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इन सारे कुछ प्लांट ऐसे हैं जिन्हें हम कई तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट ये प्लांट डिवाइड करके भी काफ़ी ईजिली प्रोपगेट किया जाता है। फेब्रुअरी मार्च में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और डिवाइड कीजिएगा ताकि आपको सक्सेसफुल रिजल्ट मिले। सेंसीवेरा या स्नैक प्लांट, ये भी बेस्ट इंडोर प्लांट होते हैं जिन्हें हम आउटडोर शेमी सेड में रख सकते हैं, और ये भी सकलेंट फैमिली से ही आते हैं। ये प्लांट भी बेस्ट एयर प्योरीफाइंग होते हैं, इन्हें भी हम डिवाइड करके नए नए प्लांट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये है खूबसूरत सा क्रॉप स्टोन जो सकलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये मिनी सकलेंट होते हैं, इनको भी हम इनके रूट डिवीजन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत परमानेंट और हार्डी प्लांट होते हैं जिसे बहुत कम केयर की ज़रूरत होती है। यहाँ भी देख सकते हैं ये कितनी दूर तक फैला हुआ है, और विंटर में भी ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये सन लविंग होते हैं, और अगर चाहें तो इसको हैच को कवर करने में और हैंगिंग पॉट के लिए भी काफ़ी सुटेबल होता है। देखिए मैंने इनकी डिवीजन से कितने सारे नए नए पॉट तैयार किए हुए हैं, और ये सालों साल ऐसे ही बने हुए होते हैं। काफ़ी खूबसूरत लगते हैं ये प्लांट भी।
ये है ट्रेडस कैंटिया, जो लो केयर और परमानेंट प्लांट होते हैं, इसके भी स्टेम डिवीजन से हम नए नए प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है पर्पल हार्ट प्लांट, जिसके लीफ पर्पल कलर के होते हैं और ये लीफी प्लांट होता है जो ऑर्नामेंटल भी होता है। इस प्लांट को हम इसके स्टेम डिवीजन से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी इजी होता है इनको प्रोपगेट करना। परमानेंट और लो केयर प्लांट होते हैं जो हैंगिंग पॉट में भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। विंटर में थोड़े से ये डल हो जाते हैं, बट ये प्लांट सालों साल चलते हैं। ये है बेबी सनरोज प्लांट, ये प्लांट भी सकलेंट होते हैं और खूबसूरत से हार्डी प्लांट होते हैं। इस प्लांट को भी हम स्टेम डिवीजन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये प्लांट सालों साल बने रहते हैं। इसमें खूबसूरत पिंक कलर के छोटे छोटे फ्लावर भी आते हैं जो पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं। ये भी हैंगिंग पॉट में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, बट इसे आप मन चाहे किसी भी पॉट में लगाइए, वो उसी शेप में खुद को बना लेते हैं और काफ़ी डेकोरेटिव लगते हैं। नेक्स्ट प्लांट है चाइनीज एवरग्रीन, ये भी काफ़ी खूबसूरत इंडोर प्लांट होते हैं और ये जैसे जैसे बड़े होते हैं, मैच्योर्ड होते हैं, इनके आसपास ढेर सारे बेबी प्लांट होते हैं और स्टेम्स भी निकलते हैं, उससे हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह की और भी वीडियोस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। टिल देन टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।